वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गवर्नमेंट जॉब के सीरीज में आज एक और जॉब प्रोफाइल है। ये भी एक ड्रीम जॉब में से एक जॉब होती है बच्चों की, क्योंकि इस जॉब के खास चीज़ ये है कि इसमें लाइफ टाइम पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहती है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको हम जो है ASO भी कहते हैं। इसकी आज के टाइम पे जो सैलरी है वो सैलरी आपकी 77,000 रुपीज़ इन हैंड है। इन हैंड का मतलब है सैलरी इससे भी ज़्यादा है, बट आपको जो है सब कुछ काट कूट करके आपको जो आपके हाथ में सैलरी आती है वो 77,000 के नियरेस्ट। इसमें स्टेट वाइज थोड़ा सा वेरी करता है, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर या 2-3 हज़ार रुपये आप नीचे आप इसको ले सकते हैं। ये जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, बेसिकली आप इसके अंदर आपका एक डेस्क जॉब रहता है, आप रिपोर्ट बनाते हैं, फाइल मेकिंग आपका वर्क होता है, कोई इसमें फील्ड का वर्क नहीं है आपका। और आप बेसिकली जो ये आपका जो है सेक्रेटेरिएट सर्विसेज होती हैं, जो कि आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मीन्स लाइक जैसे कि MEA कहते हैं इसको, लाइक एम्बेसीज की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें, और AFHQ, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर आपका हो। इसके अंदर बस आपका काम है एक फाइल प्रिपेयर करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और कोई आपका काम नहीं। डेस्क जॉब है, एक अच्छी जॉब के अंडर ये आता है। और इसमें आप देखेंगे सैलरी पे लेवल आपका जो है 7 है, और एक डेस्क जॉब है जो कि मैं बता चुका हूँ, तो एक बहुत अच्छी जॉब है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि आपको जो अलग अलग जॉब प्रोफाइल की सीरीज में आपको अलग अलग जॉब बता रहा हूँ, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सबके लिए अलग अलग प्रिपरेशन करें या कौन से जॉब को प्रिपेयर करें। मैं आपको फिर से बताता हूँ बच्चे कि आपको सिर्फ एक पेपर की प्रिपरेशन करनी होगी। उस पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास पे, एक मैथ्स है जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, किस टाइप की मैथ्स आती है, लाइक जैसे MBA में आप देखते हैं, पर MBA का मैथ्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, इसका CJ का लेवल थोड़ा मैथ्स का कम होता है। क्लियर है, बस इतना है, 19-20 का फर्क होता है। तो बस लेकिन वही सिलेबस सेम है आपका। आप कह सकते हो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, आपकी ये भी प्रिपेयर हो रहा है, या इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कैट का भी प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन कैट थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा आता है क्वांट का। इसमें भी टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट कैट का ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एक इंग्लिश में आपके बेसिकली जो आपके ग्रामर पोर्शन होता है, आपके वोकैबुलरी पोर्शन होता है आपके पास में, आपकी रीडिंग होती है जो कि आपका कैट जैसे एग्जाम में भी आप फेस करते हैं। एंड जीके एक अलग चीज़ है जो कि इसका आपके अदर एग्जाम से कोई कंपेरिजन नहीं है। जीके की अगर आप बात करें तो जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपका साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आपका करंट अफेयर, फैक्ट्स, ये सब आपको जीके का एक अलग पोर्शन आ जाता है। हाँ, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि वो बच्चे जो कि 95-98% ला करके SRCC और KMC और हिंदू कॉलेज में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो उन स्टूडेंट्स को तो इंग्लिश मुझे लगता है प्रिपेयर करने की भी नीड नहीं है। आप एक बार इंग्लिश का पेपर एक रीड करके देखो, आपको पता लगेगा कि आप उसमें से 95% आप स्कोर कर सकते हो। सेम सब्जेक्ट आपका मेंस के लिए भी, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी हो जाता है, डिफिकल्टीज लेवल वेरी हो जाएगा, और इंग्लिश का बोलबाला है क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एक ही ऐसा नहीं कि 4 पेपर है तो 4 दिन एग्जाम होंगे, नहीं, एक बार पेपर में जाओगे 1 घंटे के लिए बैठोगे, ये 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 25-25 क्वेश्चन ईच होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो सिर्फ 1 आवर का एग्जाम होगा एक ही दिन में। क्लियर है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन सामने होंगे आपके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा आपका, 200 मार्क्स का आप पेपर दे रहे हैं, और इसमें आपका एक क्वालिफाइंग नेचर है, आपका मेरिट आएगी, मेरिट आने के बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो आप राउंड 2 में जाते हैं। फिर जब राउंड 2 का भी आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, बस इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल गए, ये आपके पास में 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 रीजनिंग और सबके 3-3 मार्क्स के हो गए, आपके इंग्लिश 45 हो गया, GK 25 हो गया, 390 का पेपर है। इसमें से आपकी मेरिट बनती है और इसमें से आपका रैंक बनता है, जो अच्छे रैंक पे हैं उनको वो उनके जो पोस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको पहले पोस्ट जो है दिया जाता है। इसके बाद इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इस बात को समझिएगा कि आपको किस जॉब की तैयारी करनी है, नहीं, आपको इस पेपर की तैयारी करनी है। इसी पेपर में जितने भी जॉब प्रोफाइल की सीरीज चल रही है सारी जॉब इसी में ही आती है। वो आपके रैंक पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जॉब मिलता है और आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर कि आप क्या प्रेफरेंसेस में अपने रख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आपके सामने ये ऑप्शन है और आपके सामने अभी कोर्स ऑफर में नवरात्रि के, तो कोर्स के डिस्क्रिप्शन में आप इसको जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर जा करके अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं, पहली चीज। एंड सेकेंड,
आप इस चीज को भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे आप जब कोर्स को लेंगे तो आपको ऑलरेडी पूरा रिकॉर्डेड फोल्डर, क्योंकि हर बच्चे की अपनी स्पीड अलग होती है, तो जब आप कोर्स लेंगे तो रीजनिंग एंड मैथ्स दो सब्जेक्ट होगा और दोनों सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट फोल्डर आपको रिकॉर्डेड आपको पहले लेते ही आपको मिल जाएगा। प्लस लाइव क्लासेस डेली चलती ही है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास चलती है बट हमें टाइम नहीं है, हम लाइव क्लास के टाइम पे अवेलेबल हों, हमारी स्पीड अलग है, हम 1.5 की स्पीड से वीडियो देखते हैं। तो आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप कोर्स जैसे जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा फुल कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। क्लियर है? तो अभी जो है कोर्स आपका बिल्कुल सस्ते में, ये नवरात्र के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये 999 का हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा। अभी ये जो है 499 का आपका अभी कोर्स चल रहा है, तो सीधा आपका 500 रुपये नवरात्र के बाद ही कोर्स हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।